मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था, सिक्कों का परीक्षक। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो वह लुम्बिनी के स्तंभ लेख से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रजामन का जूनागढ़ अभिलेख से। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख ये प्रमाण है खारवेल का आती गुफा अभिलेख। भारत में अशोक का शासन था 273 से 232 ईसा पूर्व। निम्न में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुषासक है वो सौराष्ट्र को गवर्नर हो, अशोक के टाइम में तुषासक, सौराष्ट्र यानी गुजरात एरिया को तुषासक। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष। अगर राज शासन के हिसाब से देखें तो 8वें वर्ष, और शासकीय वर्ष के हिसाब से देखें तो 20वें वर्ष। किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायत की घोषणा की? लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में। निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6,00,000 सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और अधिकार किया? यह प्लूटार्क कहता है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के अभिलेख से मिलती है। निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था मौर्यों का? अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? तो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी धर्म। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्तनीज। निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतोल का प्रभारी था? तो पोतवाध्यक्ष मापतोल अधिकारी होता था मौर्य के टाइम में। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के डालने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? ताम्र और कांस्य का उपयोग किया जाता था सिक्का डालने में मौर्य के टाइम में, ताम्र और कांस्य। ठीक है। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? अकारा अध्यक्ष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन एक राजा हो तुर्मे नाम का, बुखटे को राजा हो, वो मिस्र को राजा हो तुर्मे नाम का राजा। अशोक के धर्मादेशों का उद्दाचन पहले किया था जेम्स प्रीसेप ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? तो सीता भूमि अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि बताया गया है अर्थशास्त्र में। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिलालेख फर्स्ट में यह बात मिलती है। किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? मेघस्तनीज की इंडिका का मैंने आबात लिखी है कि दास्तान नहीं थी। दक्षिणापथ के रूप में सुव्याख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था, अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। दक्षिणापथ मार्ग अजंता को पाटलिपुत्र से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? कनगन हल्ली का मैंने अशोक को रूप चित्र पाए गए हैं, कनगन हल्ली का मैंने रूप चित्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वाले के लिए निम्न में से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। पकोदकस निराधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले से टैक्स दिया जाता था, पकोदकस निराधे।
मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। निम्न में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो श्रीलंका में कोई नहीं मिला है, श्रीलंका मिला किन वो कटाइड UPSSC। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम मिलता है? तो गुजरा और माश के अभिलेखों में। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइडर किसने किया था? डिसाइफर, तो जेम्स प्रीसेफ ने ढूंढा था इनको। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? यानी आखिरी अंश था मित्र। कितनी व्यवस्था खराब, बढ़िया कर लो क्या भाई, मित्र अगर खराब होगा तो पतन उसका है। तो सप्तांग सिद्धांत को सातवां अंग मान लीजिए, मित्र आखिरी अंग। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो मौर्य प्रशासन में प्रादेशिक भी था, युक्ति भी था, राजुक भी था, या तीनों मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे, प्रादेशिक, युक्त और राजुक, ये तीनों। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिणी भारतीय राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, दूसरे अभिलेख में। निम्नलिखित दूसरा अभिलेख है, हाँ दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख में, अभिलेख नहीं शिलालेख, द्वितीय शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षयपत्र, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अभिलेख भी पाया गया, मतलब जानकारी मिले। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 दुओ छिको एको, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब है, अब बिहार में पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? बाबरू अभिलेख में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? तिस, ये समकालीन शासक था अशोक के श्रीलंका को, तिस नाम को। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? तो खान का, खान पर सिर्फ राज्य का अधिकार होता था। किस पर? खान पर। मौर्य काल में सित्ता से क्या तात्पर्य? तो मौर्य काल में सित्ता राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी, उसको सित्ता कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राई लिपि में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो पाकिस्तान में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी चाणक्य यहीं पढ़ाया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से सम्मानित है? तक्षशिला। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक को स्थानिक, कलेक्टर था या स्थानिक। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पण कहा जाता था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से, अशोक उपगुप्त। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णन है? तो क्षत्रियों का वर्णन और कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख मिला है? तो गुजरा और माश्की में। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो दोली के निकट। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला। बिंगलिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा था, पहले सुसीम को, बाद में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था तक्षशिला में। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? अशोक को नाम हो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्ष नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य पर है मुद्रा राक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
राजनीतिक नीतियाँ यानी राजनीति संबंधित किताब है अर्थशास्त्र, नाम तो अर्थशास्त्र है, राजनीतिक नीतियाँ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।